सीकर के रिंगस से बड़ी खबर है। रिंगस थाना पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, करीब 40 लाख रुपए की शराब बरामद की है। पंजाब से गुजरात ये अवैध शराब ले जाई जा रही थी, दूध के टैंकर में छुपाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। NH-52 पर एक रिको मोड पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है, तो करीब 40 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। पंजाब से गुजरात ये अवैध शराब ले जाई जा रही थी और दूध के टैंकर में छुपाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। सहयोगी कुंज बिहारी हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। कुंज, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बताना चाहूंगा कि ये एक जो दूध का टैंकर है, इसमें जो तस्कर हैं वो अवैध रूप से शराब की तस्करी कर रहे थे। ये लोग टैंकर में करीब 420 पेटियां अवैध शराब के पंजाब से भरकर लाए थे और ये गुजरात ले जाना बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, कि ये लोग जो तस्करी का तरीका है वो इन्होंने बदल लिया है, कि दूध का टैंकर होने के चलते अमूमन पुलिस दूध के टैंकर पे शक नहीं करती है और इसी का फायदा उठाते हुए ये लोग दूध टैंकर के जरिए शराब की तस्करी करके गुजरात, जहां पर शराब बैन है, वहां ये अवैध रूप से शराब ले जाकर बेचने की फिराक में थे। और ये लोग इस टैंकर को रात्रि के अंधेरे में यहाँ से राजस्थान से क्रॉस करके लेकर जा रहे थे। साथ ही एक चीज और सामने आई है कि ये जिस स्टेट से इस टैंकर को गुजारते थे उसी स्टेट के नंबरों की ये फर्जी जो नंबर प्लेट है वो इस टैंकर पे लगा लेते थे, जिसके कारण पुलिस स्थानीय टैंकर समझकर उस पर कार्रवाई से दूर रहती थी। कुंज, अभी तक ये जानकारी लग पाई, ये ट्रक किसके हैं, कौन इन सबके पीछे है? देखिए, ये कार्रवाई रात के अंधेरे में हुई थी, इसके कारण जो तस्कर थे वो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। लेकिन पुलिस जो टैंकर के रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आधार पर जो तस्कर है उनका पता लगाने का प्रयास कर रही है। शुक्रिया आपका कुंज जानकारी के लिए।